नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। भारत में ऐसी कई हॉन्टेड जगह है जहां कोई भूलकर भी जाने की कोशिश नहीं करता। ये स्थान अपने भूतिया प्रसंगों को लेकर देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज भवन के बारे में। ये राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। ये अंग्रेजों के समय की हवेली थी जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। आज इसका नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में से गिना जाता है। देश दुनिया में कई लोग यहाँ पर आकर ठहरते हैं, लेकिन इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी चीज का साया है। होटल में रुके कई पर्यटकों ने ये तक कहा कि जब वे होटल के भीतर रुके थे उस दौरान उनमें से कई लोगों ने आहटों को महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा। कहा जाता है कि ब्रिज भवन होटल में एक अंग्रेज की आत्मा का वास करती थी। इस अंग्रेज के कई सालों पहले उसके दो बच्चों के साथ इस स्थान पर मारा गया था। ब्रिज भवन का एक रहस्यमय इतिहास है जिसे जानने के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। इस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गौमांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फिकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिमों के बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली थी कि उनकी बंदूकों में गौ मांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है। इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके दो जुड़वा बच्चे ब्रिज भवन में रहते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बटन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बटन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।